कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं।